We are now going to read a lesson of Evie's book. The lesson name is Our Family. Today we read second part of Our Family lesson. Let's start. How are you related? आप कैसे related हो? Your father and mother are your parents. आपके पिता और माता आपके माता पिता हैं. Your father's father is your grandfather. आपके पिता के पिता आपके दादा हैं. Your father's mother is your grandmother. आपके पिता की माता आपकी दादी हैं. Your mother's father is also your grandfather. आपकी माता के पिता आपके नाना हैं. Your mother's mother is also your grandmother. आपकी माता की माता आपकी नानी हैं. Your father's brother is your uncle. आपकी पिता के भाई आपके चाचा हैं. योर फादर सिस्टर इज़ योर आंट. आपके पिता की बहन आपकी बुआ हैं. योर मदर्स ब्रदर इज़ आल्सो योर अंकल. आपके माता के भाई आपके मामा हैं. योर मदर्स सिस्टर इज़ आल्सो योर आंट. आपके माता की बहन आपकी मौसी हैं. योर अंकल एंड आंट्स चिल्ड्रन आर योर कजन्स. आपके चाचा चाची के बच्चे आपके चचेरे भाई बहन हैं. फैमिली ट्री. A family tree shows us how we are related to our family members. एक family tree हमें दिखाता है कि कैसे एक family के members एक दूसरे से related हैं. This is how a single family tree looks. ऐसा family tree दिखता है. Grandfather, grandmother. ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर से हमारे फादर मदर रिलेटेड हैं और हमारी बहन हम और हमारे भाई हमारे फादर मदर से रिलेटेड हैं. हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर से हमारे अंकल आंट भी रिलेटेड हैं और हमारे अंकल आंट से हमारे कजन्स रिलेटेड हैं. योर मदर्स पेरेंट्स आर योर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स. आपके माता के पेरेंट्स आपके नाना नानी हैं. योर फादर्स पेरेंट्स आर योर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. आपके पिता के पेरेंट्स आपके दादा दादी हैं. वी आर गोइंग टू वर्क अ एक्सरसाइज. Let's start. Fill in the blanks. Leaf, family, big, nuclear. A dash is a group of related peoples. ऐसा कौन सा ग्रुप होता है जो related peoples का है? इसका answer है family. Parents and their children make a dash family. Parents और उनके children क्या बना कैसी family बनाते हैं? इसका आंसर है न्यूक्लियर. अ जॉइंट फैमिली इज यूजली अ डैश फैमिली. एक जॉइंट फैमिली कैसी फैमिली होती है? बिग. वी कैन नॉट डैश विथआउट फैमिली. हम क्या नहीं कर सकते फैमिली के बिना? लीव. स्टेट टू फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स. जो सही है वहाँ टी लिखना है और जो गलत है वहाँ एफ. योर पेट इज आल्सो अ मेंबर ऑफ योर फैमिली. अगर आपने अपने हाउस में कोई भी पेट है तो क्या वो आपकी फैमिली का मेंबर है? इसका आंसर है ट्रू. जॉइंट फैमिलीज आर स्मॉल फैमिलीज. जो जॉइंट फैमिली होती है क्या वो स्मॉल फैमिली होती है? इसका आंसर है एफ. योर फादर्स फादर इज योर ग्रैंडफादर. क्या आपके पिता के पिता आपके दादा हैं? इसका आंसर है ट्रू. योर सिस्टर्स मदर इज योर आंट.
क्या आपकी बहन की माता आपकी आंट है? इसका आंसर है ट्रू। द कॉमन नेम ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज देयर सरनेम। कोई ऐसा कॉमन नेम जो एक फैमिली के सभी मेंबर्स के नाम में लगता है, क्या उसे हम सरनेम कहते हैं? ट्रू। मैच द फॉलोइंग। माई फादर्स फादर, आपके पिता के पिता, आपके क्या लगते हैं? ग्रैंडफादर। माई मदर्स सिस्टर, यानी आपकी माता की बहन, आपकी क्या लगती हैं? आंट। माई फादर्स ब्रदर, यानी आपके पिता के भाई, आपके कौन लगते हैं? अंकल। माई अंकल्स चिल्ड्रन, यानी आपके चाचा चाची के बच्चे, आपके क्या लगते हैं? कजन्स। माई मदर्स मदर, यानी आपकी माता की माता कौन है? ग्रैंड मदर। टिक द करेक्ट आंसर, सही का निशान लगवाइए सही आंसर पर। You play with your cousins daily in a dash. आप रोज अपने cousins के साथ खेलते हैं। कौन सी फैमिली में? Small family, joint family and nuclear family. इसका आंसर joint family. The name shared by all the members of a family is called your surname. द नेम, कोई ऐसा नेम जो आपकी एक फैमिली में सभी मेंबर्स के साथ शेयर होता है, मतलब ऐसा नेम जो आप एक फैमिली के सभी मेंबर्स में लगता है, क्या वो सरनेम है? तो सरनेम है।